अस्सलाम वालेकुम, मुझे फ़सी ख़ान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फ़सी दुबई। दुबई आप सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूँ। यू ही नहीं खुलेगा भाई, अपने को बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लिटरली मुझे अपने काम को एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं थोड़ी सी बात करता हूँ वो यू ही को बहुत ज़्यादा लगती है, जो उनकी टॉप मैनेजमेंट है। मैं इतनी बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं, इतनी बड़ी पहुँच है, बट जगह पे अच्छी खासी बात लगती है। तो अब मुझे लोगों ने मैसेजेस करना शुरू कर दें कि सर आपने वीडियो डाली थी कोई 27 नवंबर को, आई गेस मैं देख रहा था 26 नवंबर 27 नवंबर को डाली थी। तो आपने कहा था कि वीक या टू में वीज़ास खुल जाएंगे, तो नहीं खुले भाई, नहीं खुले। मेरा कसूर नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। उस वक्त भी बता रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लोग खोलेंगे। मुझे अभी भी उम्मीद है 10-12 तारीख तक, 15 तारीख तक अभी भी चांसेस हैं कि खोलेंगे, लेकिन और इनको खोलना चाहिए था, बट पता नहीं क्यों मुझे आई थिंक वीडियो नहीं डालनी चाहिए थी। ये लोग उधर ही, मतलब जैसे एक होता है ना बुल, स्पेनिश बुल, उसको आप रेड ऐसे झंडी दिखाते हैं, वो उड़ उड़ के लगता है, मतलब चीख रहा होता है, उसकी बहुत अंदर से एग्रेशन आ रहा होता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि यूई का जो मतलब क्या डिसीजन मेकिंग जो अथॉरिटी है, ऐसे कहना नहीं चाहिए बट पता नहीं मुझे ऐसे अब लगना शुरू हो गया है। मैं वीडियो में बात करता हूँ वो बिल्कुल उसी चीज़ के अपोजिट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने कहा था, और वाकई में उस वक्त कुछ हलचल थी, बड़ा बिल्कुल वो हलचल रुक गई है कि यार वीज़ाज ओपन होंगे। तो एनीवे वो वीज़ाज तो ओपन हुए नहीं। अब है अपने पास ऑप्शन और काम तो करना है। बहरीन का, बहरीन में क्लीनर का भी ऑप्शन है, कंस्ट्रक्शन हेल्पर का भी है, और सिक्योरिटी गार्ड का भी है। सिक्योरिटी गार्ड का सस्ते में है ऑप्शन, सस्ता ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सस्ता है, इकोनॉमिकल है। जो वीज़ा पहले हमें 1,20,000 या 1,10,000 या 1,30,000 में पड़ता था, अब वो वीज़ा काफ़ी सस्ता पड़ता है, और मैं भी वो वीज़ा देता हूँ। 85 बहरीन दिनार सैलरी है, 12 आवर्स ड्यूटी है, नो वीकली ऑफ है, मतलब 30 डेज का काम है, एकोमोडेशन ट्रांसपोर्ट है, और 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का वो वीज़ा है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा यार इतने कम सैलरी पे कौन जाएगा, लोग जा रहे हैं और लोग कर रहे हैं काम। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में क्यों ना कुछ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको आगे रेफ़र कर दूंगा। आपकी एटलीस्ट मैट्रिक एजुकेशन होनी चाहिए और इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इतनी इससे कम सैलरी अब आप कहेंगे यूई में मिल जाती है हेल्पर को, तो ये सिक्योरिटी गार्ड को इतने कम क्यों? हर कंट्री का अपना कुछ लॉ है, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स हैं, उनको देखना पड़ता है और उनके साथ चलना पड़ता है। अब अगर आप बहरीन की बात करो, तो बहरीन में आपको इसी आफ्टर 9 मंथ्स आप इजीली चेंज कर सकते हैं, मतलब आफ्टर 9-12 मंथ्स आपका वीज़ा रिन्यू होता रहता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यू होता है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहें, आप दूसरे कंपनी में जा सकते हैं, और वो 9-12 मंथ्स में आप कोई भी ड्राइविंग गाड़ी का लाइसेंस ले लें, बाइक का लाइसेंस ले लें, दूसरी जॉब पर आ जाएँ, तो आपको 80,000 मंथ लाके सैलरी मिलती रहेगी। और उसके और फीचर्स अच्छे हैं, मतलब ओवरस्टे का कोई फाइन नहीं है, ब्लैक लिस्ट हो गए वो हटा सकते हो अगर आपके पास ऑफर लेटर और दूसरा वीज़ा है तो। दुबई में ये पंगे बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और एंड पे क्या निकलता है? कुछ नहीं निकलता, इतना शोर, इतना वावेला, एंड पे कुछ भी नहीं निकलता। ये अपडेट थी। और टर्की वीज़ा हम स्टिल प्रोसेस करके दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट आपके खुद की होनी चाहिए, ठीक है, बाकी हम फाइल प्रिपेयर करके देते हैं। और फाइल प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन वो 31 दिसंबर, मतलब कि इस साल के एंड तक 5,000 में हम करके दे रहे हैं। यूजुअली हमारा उसका रेट 15,000 या 20,000 चलता रहता है। ये कुछ अपडेट थी और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। हमारा यूक्रेन का भी स्टार्ट है, ठीक है, पोलैंड का स्टिल है। पोलैंड का मुझे रेट मिला है $3,500, लेकिन उसमें एडवांस की $1,000 की पेमेंट है, मतलब कि पाकिस्तानी 1,50,000 या 1,60,000 का प्री पेमेंट है, ठीक है। वो क्योंकि यूक्रेन के साथ बॉर्डर उनका टच होता है, तो जो वहाँ पे मेरा एक सप्लायर है, मैं सप्लायर ऐसे कहते रहता हूँ जैसे मैं बड़ा धंधा करूँ, बड़े धंधे वाला बंदा हूँ, मतलब कभी कभी, लेकिन क्योंकि जब मैं रिटेल में था तो सप्लायर और इन्वेस्टर और इस टाइप की चीज़ें होती थी, तो वो लैंग्वेज अभी तक डेवलप्ड है। तो एनीवे जो कंसल्टेंट, जो सप्लायर यूक्रेन से हमें काम देता है, क्योंकि यूक्रेन के साथ पोलैंड का बॉर्डर टच करता है, तो वो वहाँ से वर्क परमिट्स ऑफर कर रहा था, बट मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। अभी बाय द वे शेयर कर रहा हूँ कि अगर कोई अपना $1,000 रिस्क करने के लिए रेडी है, तो ये ऑप्शन, और 30 डेज का प्रीपेड करना है पोलैंड का वर्क परमिट। तो वर्क परमिट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा क्योंकि उसमें प्री पेमेंट है,
मतलब काम के बाद वाले पेमेंट नहीं है, बट $3500 में वो काम ऑफर कर रहे हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थे, आप लोगों के साथ शेयर करना था। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। मिलते हैं किसी और टाइम एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय एंड टेक केयर।